चलिए बच्चों, सो ओल्ड सिलेबस का कंपनी लॉ का पेपर मेरे पास आ गया है। सो इसको एक बार हम रिव्यू कर लें कि भाई कैसा था। डिस्कशन नहीं है, सिर्फ हम बता देंगे कैसा पेपर था और एक कमेंट दे देंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी के रूल्स के एक्सेप्शन बताइए। तो जहां जहां पे बच्चों कंपनीज एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स को पेनल्टी है, प्रमोटर्स को पेनल्टी है, वहां वो सारे प्रोविजन क्या है बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी के एक्सेप्शन है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन सेक्शन 54 से रिलेटेड है, स्वेट इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने दिए हैं, तो ऑब्जेक्शंस हैं आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 181 क्लॉज सी से रिलेटेड बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं भाई, कंपनी कितना बोरो कर सकती है। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिजॉल्व्ड बाय रेजोल्यूशन कि वो 5 करोड़ और बोरो करना चाहते हैं। देख लो भाई, पेड अप कैपिटल कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है बच्चों, ये सब आप देख लीजिए, टोटल कर दीजिए, उसका 100% निकाल दीजिए। और यहाँ पे आपको नेटवर्थ भी देखना है कि आर्टिकल्स को भी आपको सम्मान देना है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी, 180 किसको अप्लाई होता है, किसको अप्लाई नहीं होता, और प्राइवेट कंपनी को कब अप्लाई नहीं होता। एनीवे छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कंपनी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड मैच्योरिटी। ओहो हो बच्चों, रोल ओवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कल के मैराथन में कवर किया था अपन ने ये क्वेश्चन, रोल ओवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ यू रिमेंबर, तो बच्चों आपने लिखा होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया उन्होंने 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर, विलिंग टू नो द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेस, बच्चों इजी है। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज बच्चों कब क्रिस्टलाइज होता है बच्चों, ये तो थ्योरी है आपको पता ही होगा। उसके बाद रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, बच्चों मेरा जो ओवरनाइट वाला मैराथन था, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन ग्लोबल डेवलपमेंट, थोड़े से अलग है वहां पे प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बच्चों। उसके बाद क्या लोग मेंबर बन जाते हैं, एकदम मुंह में एकदम आपके डाल दिया उसने ये क्वेश्चन। ओ, IEPF का पैसा क्या हर घर तिरंगा में लग सकता है बच्चों, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और हर घर तिरंगा, इनका कोई कनेक्शन है, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ओके 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 ओके, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट इस केस में 74% होल्ड करती है, तो आपको पता है फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है, पहले CAG, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद कंपनी 6 महीने से कम के पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती बच्चों, आपको पता होगा 3 से 6, 6 से 36। उसके बाद ओ, ये तो इतना 123 का इतना इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान है, कल के मैराथन में कवर था, कल 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में कवर था बच्चों, मैं लाइव आना चाहता था बट किसी टेक्निकल कारण के कारण आज लाइव नहीं आ पाया बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको करंट अप टू द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल, तो पिछले 3 साल का डिविडेंड जो था, फाइन इंडस्ट्री है, ओके बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखना है, 128 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 128 का प्रोविजन है ये। उसके बाद ठीक है, ईमेल आईडी ऑफ सुमित इज नॉट रजिस्टर्ड विद द कंपनी बट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बच्चों डिपॉजिटरी के साथ अगर रजिस्टर्ड है तो आपको नोटिस तो उसको ईमेल आईडी पर ही भेजना पड़ेगा, मतलब जो भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो ये LODR के प्रोविजन है, बट आप कंपनीज एक्ट का भी अगर थोड़ा सा ज्ञान होता तो आपने आंसर लिख दिया होगा LODR, अगर आपको एग्जैक्टली याद ना हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों, ओके बेसिकली जब 186 के अंदर जब आप लोन से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो अपने को यू नो कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती, एक वो है और दूसरा 179 के अंदर ये 186 में एक और चीज़ बताइए कि आपको लोन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है सबका कंसेंट लेना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक कंपनी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब ध्यान से देखिए। उसके बाद CSR कमेटी बच्चों आपको पता ही होगा, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़ तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया है और कितना स्पेंडिंग है, तो वो 50 लाख से अगर कम का स्पेंड होता है तो आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब ये तो आप 2% वाला पॉइंट होगा आपका। उसके बाद ये बेसिकली बच्चों ये बेसिकली फास्ट ट्रैक मर्जर वाला क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक बार आप चेक कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, प्राइम ऑफिस यही लग रहा है। उसके प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों
बच्चों ये क्या है बच्चों, क्या डायरेक्टर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्या क्वेश्चन है, डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता बच्चों, 166 में बताया। फिर विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में अगर वैकेंसी है तो आपको कब वैकेंसी को भरना है बच्चों, ये मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद क्या है बच्चों, वास्ट एक्सपीरियंस MBA क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट इज वैलिड लाइफ टाइम के लिए आपने मैनेजिंग बच्चों 196 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे दिखाया गया 5 साल वाला कुछ प्रोविजन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों, AGM का नोटिस बच्चों 96 सुनीता इज द मेंबर ऑफ द कंपनी अलीज दैट कंपनी इज डिफॉल्टेड विद बच्चों प्लीज सीयर बच्चों ये आप एक बार देख लेना, सेक्शन 8 कंपनी के लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, 96 के प्रोविजंस में बताया हुआ है बच्चों। उसके बाद भूपेश इज द डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे। भूपेश इज द डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी ने डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ टर्न आउट बैड एंड द कंपनी फेल टू रिपेट डिपॉजिट ड्यू टू, ठीक है। अदर कंपनी टेन वी वॉन्ट टू अपॉइंट बच्चे 164 सबसेक्शन 2 क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आपको एक बार ही चेक करना पड़ेगा बच्चे 164 सबसेक्शन 2 मैंने हिंट दे दिया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों कि क्या वो डिस्क्वालीफाइड होगा या नहीं होगा, डिपॉजिट्स में डिस्क्वालीफाई होता है नहीं होता है जिस कंपनी में, एक बार चेक करना। उसके बाद नहीं सर मैं आंसर नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैंने मैराथन में था बच्चों ये प्रोविजन आप डिस्कस देखा होगा। तो उसके बाद बच्चों मीटिंग, ठीक है द बोर्ड मीटिंग ऑफ, ठीक है आपने कॉल की थी रजिस्टर ऑफिस में 6 ओके शिमला में ड्यू नोटिस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड वॉज 12, 2 लोगों की डायरेक्ट पोजिशन वैकेंट थी, 5 डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग अटेंड की, 2 डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर, ठीक है। हैविंग बीन ऑन द रोल कॉल आफ्टर द चेयरमैन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कोरम द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ 3 डायरेक्टर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग गॉट डिसरप्टेड एंड डिड नॉट अटेंड रेस्ट ऑफ द मीटिंग, ओके एंड लिस्टेड वर ड्यूली पास्ड इन सर्कुलेटेड द डायरेक्टर रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ डिसाइड द वैलिडिटी एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, क्या मीटिंग वैलिड है और मीटिंग की प्लेस क्या है, वेन्यू ऑफ द मीटिंग जो नोटिस में स्पेसिफाई करते हैं मीटिंग वैलिड है कि नहीं है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 डायरेक्टर बीच में चले गए थे तो आपको देखना है कि कोरम था या नहीं था क्योंकि रोल कॉल लेना ही होता है बच्चों। उसके बाद द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी टू ओवरसाइड इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ लिस्टेड कंपनी इज वाइडर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ कमेंट ऑन द स्टेटमेंट रेफरिंग टू, ओके सो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमिटी के फंक्शन LODR में काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाइड है कंपनीज एक्ट के अंदर। एक्सप्लेनिंग विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड, बच्चों एक मिनट ये तो कमेंट है, बस ये बोल रहे हैं कि कौन सी कंपनी को ऑडिट कमिटी और इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि वाइडर है, ठीक है वाइडर होंगे बट पूरा क्वेश्चन पढ़ना। वो बोल रहे हैं बच्चों कि कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमिटी अपॉइंट करनी होती है और इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करनी होती है, तो 138 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सेक्शन 177 में आपको ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट, आपने दोनों लिखा होगा आई एम वेरी श्योर, इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। उसके बाद मीटिंग हो, ठीक है वन ऑफ द डायरेक्टर रिसेंटली, ठीक है कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ नोटिस, बच्चों ये तो बच्चों कितना ईजी है 7 डेज वाला नोटिस बच्चों। उसके बाद बच्चों टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, AGM वॉज कन्वीन, ओके 50 मेंबर्स के जगह, ओके सो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चों बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर फर्स्ट टर्म में अपॉइंट होता है तो वी हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 70,000 वोट थे इंक्लूडिंग 60,000 वोट बाय प्रमोटर ग्रुप वर कास्ट इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन और 30,000 वोट क्या थे अगेंस्ट थे, चेयरमैन ने बता दिया कि भाई हमने समृद्धि को क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पर क्या हो चुका है, पास हो चुका है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ अजम्पशन बताने थे तो आप अजम्पशन भी बता सकते थे बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, रेजोल्यूशन पास हो चुका है। उसके बाद अगर ये नहीं करना था तो आप यहाँ पे ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी देख सकते थे, AGM हुई आफ्टर नोटिस देखे 120 मेंबर प्रेजेंट थे, चेयरमैन डिक्लेयर द प्रेजेंस ऑफ कोरम, फिर अ सेक्शन ऑफ मेंबर डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग एंड डिमांडिंग बोनस, कुछ मेंबर्स थे जो बोनस और डिविडेंड डिमांड कर रहे थे, आधे घंटे का वेट करने के बाद
आफ्टर वेटिंग द हाफ एन आवर एज मेंबर्स कंटिन्यू टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग चेयरमैन ने मीटिंग एडजर्न कर दी। तो बच्चों क्या चेयरमैन स्यूमोटो मीटिंग एडजर्न कर सकता है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वन में इसका आपको आंसर मिल जाएगा कंसेंट के साथ, या फिर मीटिंग में अगर डिसऑर्डर है तो क्या होता है बच्चों। ठीक है, हाउ टू अकोमोडेट शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द लार्ज अटेंडेंस ऑफ शेयर। एक मिनट, has shifted towards digital and MCA has allowed companies to conduct their board meeting as well as general meeting virtually. One way allow kiya abhi to as a following question of board of director which is ठीक है। So जो company board meeting और general meeting video conferencing के through करने वाली है उसका आप answer कैसे करोगे? Shareholders जो questions पूछना चाहते हैं large throughout the length and breadth of the country, पहले आप इनको कैसे accommodate करोगे? तो companies act में one way video conferencing बताई गई है top 1000 listed companies के लिए। सो ये वन वे होगा, तो शेयर होल्डर्स के आंसर तो मेरे ख्याल से यूट्यूब चैट से ही होंगे क्योंकि वन वे होता है तो उसमें हम जूम फैसिलिटी अलाउ नहीं करते। व्हाई द प्रॉक्सी प्रोविजंस आर डिस्पेंस विद इन केस ऑफ जनरल मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीधी बात है बच्चों, लाइक यू नो जनरल मीटिंग में आपने प्रॉक्सी के प्रोविजंस क्यों आपने हटा दिए हैं बच्चों जब आपकी जनरल मीटिंग वर्चुअली होगी? बच्चों वन वे होती है मीटिंग, ठीक है, वन वे मतलब जो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो तो ठीक है बट वन वे मीटिंग हो रही है ये। और तीसरा, इज इट रिक्वायर्ड टू मेंशन द वेन्यू ऑफ द नोटिस? इफ सो व्हाट वुड बी द वेन्यू फॉर द, बच्चों ये बोर्ड मीटिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो बच्चों बोर्ड मीटिंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि प्रॉक्सी की तो उसमें क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों क्योंकि वन वे होता है और ये भी बच्चों वन वे ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होता है कंपनीज को अगर हम जनरल मीटिंग की बात करें। ठीक है, तो इसमें बच्चों चैट्स के थ्रू ही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए क्योंकि इस बारे में तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं गया है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, 2 डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट थी, सर्कुलर रेजोल्यूशन भेजा स्पीड पोस्ट से, ईमेल से। बच्चों इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी अपन काउंट करते हैं, अगर 1/3 डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटिंग सर्कुलेशन से नहीं बच्चों बट फिजिकली हमको वो मीटिंग डिस्कस करनी है, ठीक है, तो 1/3 देख लीजिए, यहाँ पे 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 का आप 1/3 निकाल लीजिए अगर उतने रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट डेट के पहले, तो बच्चों मीटिंग आपको क्या करनी है। और इसमें 1/3 में इंटरेस्टेड भले ही वोट नहीं करता बट वो 1/3 जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं उसमें काउंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी किसको बतानी है, इनकी मीटिंग्स कितनी होंगी, कितने मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद सुदीप तो ठीक है, ही ऑलरेडी होल्ड, बच्चों ये तो 165 का प्रोविजन है, कितने डायरेक्टर कितनी कंपनीज में आप डायरेक्टर हो सकते हो, 16 महीने तक आपने क्या नहीं की, कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, आप 167 एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, 164 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, आपने कॉल मनी पे नहीं किया बच्चों। सो दिस इज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए पार्ट 3 में क्या है बच्चों। अच्छा ये ओल्ड सिलेबस है तो बच्चों पार्ट 3 देख लीजिएगा। Referring to the provision of Companies Act, advice whether एक मिनट बच्चों एनुअल रिटर्न फाइल करना, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर कम्युनिकेटिंग विद द अर्लियर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। नया असाइनमेंट मिलता है तो क्या आपको अर्लियर कंपनी सेक्रेटरी को बताना होता है? ओके, ये एक चीज़ है। और उसके बाद एक्सटेट दो सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ पोस्टल बैलेट फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड इनवैलिड। बच्चों ये तो मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, पोस्टल बैलेट फॉर्म जो शेयर होल्डर दे रहा है उसको आप इनवैलिड कब मानेंगे? एसएस में आंसर दिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एसएस से भी पूछे गए। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था। इसमें बच्चों मुझे ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मतलब क्वेश्चन ठीक है बट इन्होंने बोर्ड मीटिंग अगर अच्छे से पूछते तो बोर्ड मीटिंग वॉज मच वे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे एक थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बाकी पेपर वॉज मैनेजेबल, ओल्ड सिलेबस का पेपर कंपेरेटिवली अच्छा है और न्यू सिलेबस का भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू सिलेबस में अगर देखा है तो वो मुझे वो 3 मार्क का वो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, लेकिन जिन बच्चों ने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा होगा तो उन्होंने सॉल्व किया होगा।
सो बच्चों ओवरऑल मतलब आईसीएसआई ने हर एक जगह से दे आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि वहां से नहीं पूछा, वहां से नहीं पूछा, दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर। सो बच्चों लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अगली मेहनत कीजिए और बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए बस। थैंक यू सो मच।